गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग क्लास 7 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर, ओके, क्योंकि वो हर्ब को खाते हैं, ओके, यानी प्लांट्स को खाने वाले, जिनको प्लांट ईटर्स भी बोलते हैं, उनके बॉडी में जैसा न्यूट्रिशन यानी कह सकते हैं डाइजेशन उनके बॉडी में जैसा होता है वैसा हमारी बॉडी में नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि उनकी फूड जो है, जो फूड वो खाते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेलुलोज होता है। वो प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं, जिसकी वजह से वो सेलुलोज जो होता है उनकी बॉडी में, अगर हमारा जैसा स्टमक उनके बॉडी में होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ओके। इसीलिए उनके बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ स्टमक पाया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ स्टमक का मतलब ये होता है कि एक ही उनका स्टमक होता है लेकिन उसके चेम्बर्स अलग अलग होते हैं, ओके, जस्ट टाइप। और उनका जो फूड होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो प्रॉपर खाना खाते हैं, ठीक, खाने के थोड़ा सा डाइजेस्ट मतलब यहाँ पे च्यू करने के बाद उसको निगल लेते हैं, निगलने के बाद उनके स्टमक में जाता है, वहाँ पे पार्शली उसका डाइजेशन होता है, ठीक, एक पार्ट में, एक चैम्बर में, फिर दूसरे चैम्बर से होकर के वापस से उसके माउथ में आता है, फिर से वो च्यू करते हैं, फिर उसके थर्ड चैम्बर में भेजते हैं, फिर फोर्थ चैम्बर में उसका डाइजेशन होता है। ये तरीके से उनका डाइजेशन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रूमिनेंट। ऐसे एनिमल जिसमें इस टाइप का डाइजेशन होता है कि एक बार में खाना डाइजेस्ट नहीं होता, एक बार में नहीं जाता है, उसको बोलते हैं रूमिनेंट। ऐसे एनिमल को बोलते हैं रूमिनेंट, ओके। रूमिनेंट मतलब द एनिमल च्यू हाफ डाइजेस्टेड फूड एंड आर स्वेलोड, मीन्स कह सकते हो कि उनको खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेशन, आधा डाइजेशन होता है, फिर से वापस आता है, फिर से उनके बॉडी में जाकर डाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं रूमिनेंट। इस टाइप के प्रोसीजर को बोलते हैं रूमिनेशन, जिसमें इस प्रकार का डाइजेशन होता है, ओके, उस एनिमल को बोलते हैं रूमिनेंट। और जब ऐसा हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं रूमिनेशन, ये पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं रूमिनेशन, ओके। इट्स मीन दैट ब्रिंग बैक दे ब्रिंग बैक द स्वेलोड फूड टू च्यू इट अगेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन। वापस से भेजते हैं च्यू करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं रूमिनेशन, ओके। ये हर्बीवर में ही होता है। अगर हम बात करें डाइजेशन की, होता कैसे, ये क्या करते हैं, पहले को थोड़ा बहुत यहाँ पे च्यू करते हैं, उनके फ्लैट जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे उनको प्री मोलर और मोलर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, वो खाने को पूरी तरीके से चबाते हैं, आधा ही चबाते हैं और फिर उसको स्वेलो कर लेते हैं। उनके बॉडी में, उनके स्टमक में फोर चैम्बर्स होता है, एक होता है रूमेन, ये पहला चैम्बर है, दूसरा है हम बात करेंगे रेटिकुलम, रेटिकुलम थर्ड है हमारा ओमेसम, ओके, एंड द लास्ट वन एबोमेसम, ओके। पहले क्या करते हैं, खाने को थोड़ा सा च्यू करेंगे और उनके रूमेन पार्ट में सेंड किया जाता है, ठीक, वहाँ पे पार्शियली डाइजेशन होता है, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन होता है, फिर उसको रेटिकुलेट में, रेटिकुलम में स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ से ये वापस से माउथ में सेंड करते हैं। अब जो फूड वापस जाता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, उसको बोलते हैं कड, क्या बोलते हैं, कड, CUD, कड बोलते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं कड। ये माउथ में जाता है, ये कड वापस से ओमेसम में आता है, ओके, ये थर्ड चैम्बर है हमारे स्टमक का, सॉरी इस कैटल यानी कि किसी भी हर्बीवोर की, जो हम बात कर रहे हैं रूमिनेंट की, वहाँ पे ओमेसम में जाता है, ओमेसम के बाद एबोमेसम में जाता है, एबोमेसम में डाइजेस्टिव जूस रिलीज होती है और उसका पूरे तरीके से डाइजेशन होता है, ओके। इस तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।